डांस कंपटीशन में फर्स्ट तो आप ही आई होंगी। हाँ, अगर कॉन्टेस्ट हुआ होता तो शायद। मतलब कॉन्टेस्ट अब दिल्ली में नहीं, मुंबई में ही है। ओह वेरी गुड, तो अब हमें यहीं देखने मिलेगा। अरे ये गाड़ी को क्या हुआ? ओफो, इसको भी अभी खराब होना था। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, एक मिनट अभी देख लेता हूँ इसको। अरे ओह ये तो गर्म हो गई है। उफ, ना जाने इसको क्या हो गया। मैकेनिक, ए मैकेनिक, अरे हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, बहरे हो क्या? आपने मुझसे कुछ फरमाया? नहीं, पागल हूँ, अपने आप से बात करने के दौरे पड़ते हैं मुझे। लगता है अपनी गाड़ी की तरह आप भी गर्म हो गई हैं। उठाइए मुझे, आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि आप मुझे उठा लेंगी, लेकिन आप तो खुद गिर गईं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गिर के संभलना नहीं जानते। संभलना जानती हैं तो संभालना भी जानती होंगी। संभालना जानती तो हूँ, मगर अपनों को, गैरों को नहीं। कभी कभी गैर भी अपने बन जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो आपकी गाड़ी ठीक कर दूं। ये गाड़ी कौन उल्लू का पट्टा चला रहा था? What do you mean? घोड़ी की लगाम खींच के रखोगे तो वो रुक जाएगी। क्या मतलब है? गाड़ी की हैंडब्रेक खींच के रखोगे तो धुआं नहीं तो क्या पानी निकलेगा? Oh shit! जाइए। Thank you, Mr. Mechanic. क्या बात है? अरे ये तेरी हालत किसने बनाई? अरे बाहर की हालत को छोड़ प्यारी, अंदर की हालत को समझ। अच्छा चल आराम से बैठ जा पहले और पूरी कहानी बता सारी। चल देख, मेरा बॉस बोलता है कि इंटरव्यू लेकर आओ। अरे 3 महीने से गोल गोल उसके पीछे फिरती है, लेकिन सब बेकार। अरे वो गेंडा व्यू में नहीं आता है तो इंटरव्यू में कैसे आएगा? और अगर परसों तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी नौकरी खलास और मैं भी खलास। कोई फिल्म स्टार है क्या? अरे नहीं पापा, एक चढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या नाम है उसका? विजय कुमार। विजय कुमार, आपने हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ, जानती हूँ आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है मगर दिल अभी भी जवान है, सीने में प्यार का तूफान है। माशाल्लाह, वैसे तो आप भी जवान हैं। शट अप, मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है
तो अपने आप चली जाती। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता, मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। एक नंबर का मुनाफा खोर हूँ। आई मीन लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2% की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? एक नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इशू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं, अरे 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 सुनिए। ओह माय गॉड, क्या समझता हूँ अपने आप को, एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेफ के यहाँ काम करते हैं? ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरावा जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं। ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है। आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार, वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप ही देता। अरे ये क्या बोलती है चड़ी। हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई। आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। सी यू। सी यू। बाय। अरे ऑल द बेस्ट यार। मधु जी। अरे नहीं नहीं, मैं मधु नहीं हूँ, मैं तो अनु हूँ, अनीता। अनीता पोड़मल धोड़मल छपटमल घिसवानी, मधु की फास्ट। अरे तुम बाहर क्यों खड़ा है साई? अंदर आओ ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे बैठो ना बाबा। क्या लेगा, रगड़ा पैटीज पकोड़ा पापड़? नो थैंक्स। अच्छा ठंडे में क्या लेगा, ऑरेंज लिमका गोल्ड पॉट आइसक्रीम टूटी फूटी? जी नहीं, कुछ नहीं शुक्रिया। कुछ नहीं। साईं शर्म आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही है। जी मधु जी, घर में हम दोनों किसी और कोई नहीं है। तो फिर मधु जी क्या कर रही है, अभी तक सो रही है? अरे ना ना, वो चड़ी तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओह वेरी गुड, तो फिर अभी एक्सरसाइज कर रही होंगी। अरे एक्सरसाइज करती तो मेरे जैसा फिगर नहीं होता। या तो हो सकता है कि वो गाना गा रही है, ये भी हो सकता है कि वो कर रही है। अरे बाबा, लड़का लड़की अकेले में क्या करता है, पप्पी लेता है नी। अब देखो तुम मेरे साथ वैसा गड़बड़ नहीं करना, मैं तो मेरे को शर्म आएगा। आपका मतलब ये है कि मधु जी कहीं गई हुई है और मैं खामा का अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ? अरे बर्बाद किधर करता है, मैं है ना तेरे साथ। डोंट टॉक रबिश। आपने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मधु जी घर पे है नहीं। अरे हमने तो तुमको पहले ही बोला था, हम दोनों के सिवाय इस घर में कोई नहीं है। अच्छा आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएंगे कि मधु जी कहाँ गई हैं? अरे तुम एड्रेस का बात करता है, मधु ने तो टेलीफोन नंबर क्या उसका नाम तक नहीं बताया, बस जाते वक्त खबर छबड़ में बोल गई थी कि किसी ने उसको और उसने किसी को दिल दे दिया है। May I come in? Yes, come in. शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसठ है और औरतों का शिकारी है, जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी वाह। देखिए प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूं और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई, अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए।
अरे आप तो रोने लगी, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूज आया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है, जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया।